हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइस, मैं आपको क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स कराऊंगा हिंदी में। अगर आप क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा गाइस, ताकि आपके लिए जो मैं रोजाना इकोनॉमिक्स की जो वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाए गाइस। साथ के साथ अगर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उस पर कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइस। बिल्कुल सही पढ़ाया आपने थंबनेल के अंदर। आज मैं आपको जो है वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ, जिन भी बच्चों का जो है 16 तारीख को एग्जाम है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एग्जाम के अंदर वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। मेरे से बहुत ही बच्चों ने जो है मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर करके परेशान कर दिया है कि सर जी हमारा 16 तारीख को एग्जाम है, हमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो, सांख्यिकी में क्या पढ़ूं, जीएसटी में क्या पढ़ो, इसमें क्या पढ़ो, उसमें क्या पढ़ो। तो मैंने सोचा आपके लिए जो है एक वीडियो बना दी जाए जिससे आप सभी बच्चों को जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जी वीएसटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, समष्टि में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कुछ भी जीरो हो, तो केवल एक ही संडे है, आज का दिन है हमारे पास, जो भी करना है आज ही करना है, आपको टिक लगाने हैं, लिखना है, जो भी करना है जल्दी से फटाफट अपनी बुक निकाल लीजिए, कहीं पे कॉपी पे आपको उतारना है वहां पे उतार लीजिए, जो जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, मैं सारे आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, फटाफट जल्दी से टिक लगाना है, जो भी करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, आपको पढ़ना भी है, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाइए वीएसटी पे। वीएसटी में मैं आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में बता रहा हूँ, ठीक है, वीएसटी में चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले तो वीएसटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सांख्यिकी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बुक निकाल लीजिए फटाफट। सबसे पहले अगर मैं 1 मार्क्स की बात करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले तो जी अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है, और आपसे दुर्लभता क्या होता है ये आपसे पूछ सकता है, चयन की समस्या क्या होता है ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और अवसर लागत क्या होती है ये आपसे पूछ सकता है। ये मैं सारे आपको कौन से बता रहा हूँ, ये मैं सारे आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, दुर्लभता, चयन, अवसर लागत, ये आपसे पूछ सकता है 1 मार्क्स के ऊपर, ठीक है, ये बात आपको आ गई बिल्कुल अच्छे से समझ में। उसके बाद आ जाइए 3 मार्क्स वाले में। 3 मार्क्स में वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, जहां पे मैं फिक्स बोल रहा हूँ वो आपको तो घोल कर पी जाना है सबसे पहली बात तो, ठीक है। 3 मार्क्स के अंदर सबसे पहले तो आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अब इसमें भी आपको कौन सी पढ़नी है, आप केवल क्या उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें, किसके लिए वाली को छोड़ दीजिए, क्या और कैसे, अभी केवल आप इन दोनों की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कंपलसरी है आपका एग्जामिनर या तो क्या उत्पादन किया जाए या कैसे उत्पादन किया जाए, यही आपसे जो है पूछेगा, ठीक है, तो किसके लिए जो है वो छोड़ दीजिए। उसके बाद आ जाइए यहाँ इस पे सकारात्मक और आदर्शात्मक, ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी, इसके अंदर अंदर आएगा 3 नंबर का, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको घोल कर पी जाने हैं, ठीक है, पाड़ के लेके जाने, पाड़ के लेके जाओ, जो भी आपको करना है ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, और सकारात्मक और आदर्शात्मक के अंदर अंतर बताइए, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी, ठीक है, और जो फिक्स ये तो फिक्स है इसके अंदर, ठीक है, और जो बाकी है इसके अंदर वो है पीपीसी, क्या है पीपीसी, पीपीसी के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है, पीपीसी के ऊपर क्या क्वेश्चन कंपलसरी है, सबसे पहले तो पीपीसी क्या है, इसके फीचर्स, विशेषताएं इसकी और इसकी मान्यताएं, ठीक है, ये क्वेश्चन तो कंपलसरी है ही कि पीपीसी क्या होता है, इसके फीचर्स, इसकी 2 मुख्य विशेषताएं और इसकी मान्यता बताइए, और पीपीसी पे क्या क्या आता है, पीपीसी की आकृति कैसी होती है, पीपीसी नतोदर क्यों होता है, पीपीसी एक्स अक्ष के समांतर कब होता है, ये सब 1-1 मार्क्स के बता रहा हूँ कि पीपीसी की आकृति क्या होती है, पीपीसी नतोदर क्यों होता है, बाएं से दाएं नीचे क्यों ढालू क्यों होता है, पीपीसी एक सीधी रेखा कब होती है, तो पीपीसी के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, मैंने प्रॉपर पूरी एक वीडियो बना रखी जिसमें सारे क्वेश्चन लिखवा रखे थे पीपीसी के रिगार्डिंग, तो वो वीडियो देख लीजिए, पूरा काम बन जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आ गया आपका पीपीसी पे। तो चैप्टर नंबर जो 1 है आपका, यहाँ से आपके केवल जो मोस्टली जो फिक्स क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या और कैसे, सकारात्मक और आदर्शात्मक में अंतर, और पीपीसी, ये 3 टॉपिक तो इसके अंदर आपके
कंपलसरी है। और अगर 1-1 मार्क्स का आ गया अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, दुर्लभता, चयन और अवसर लागत, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा अगर थोड़ी किस्मत खराब हुई तो, ये है कि सीमांत अवसर लागत क्या होती है और ये क्यों बढ़ती है, सीमांत अवसर लागत क्या होती है और ये क्यों बढ़ती है विद टेबल, विद टेबल, ये आ जाएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट से। और चैप्टर नंबर फर्स्ट से तो मोस्टली आपका कुछ नहीं आता, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको केवल इतना ही पढ़ना है। अब आ जाइए जी चैप्टर नंबर टू के अंदर। चैप्टर नंबर टू क्या है आपका, चैप्टर नंबर टू है आपका उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता संतुलन में आपको क्या पढ़ना है, उपभोक्ता संतुलन आपको घोल कर पी जाना है, क्योंकि ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है, आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब आप कहोगे सर कौन सी अप्रोच पढ़नी है, एक तो है ये यूटिलिटी अप्रोच, एक है तटस्थता वक्र, तो कौन सी वाली पढ़े? आपको सबसे पहले तो तटस्थता वक्र वाली जो है ना, तटस्थता वक्र विश्लेषण, आपको सबसे पहले तो इसको घोल कर पी जाना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फिक्स है, ठीक है। तटस्थता वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता संतुलन समझाइए। इन केस अगर ये नहीं आता तो आपको क्या करना है, दूसरा यूटिलिटी अप्रोच से, ये जो है MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY, इस वाले पे जो है न्यूमेरिकल 3 नंबर का, कितने का, 3 नंबर का न्यूमेरिकल MU, ये कौन सी यूटिलिटी अप्रोच का बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये नहीं आया तटस्थ वक्र वाला, अगर उपभोक्ता संतुलन नहीं आया तो फिर क्या आता है, तो फिर आएगा आपका एक वस्तु की स्थिति में, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन किससे, यूटिलिटी अप्रोच से, ठीक है। तो या तो ये आएगा या ये आएगा, बट 100% चांस है कि यही आएगा, ठीक है। बट अगर ये भी नहीं आया तो इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है, जब दोनों वस्तुओं की कीमत अलग अलग होती है तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल इस पे आ जाता है, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन तो आपको घोल कर पी जाना है। और ये जो है बार बार बोल रहा हूं, तटस्थता वक्र विश्लेषण फिक्स क्वेश्चन है, 6 नंबर का एग्जाम के अंदर आना ही आना है, ठीक है जी। ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। अब आ जाइए जी अपना आगे, वो है जी आपका मांग। मांग बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। बट मांग से पहले इसके अंदर और भी चीजें हैं, जो आपका ये उपभोक्ता संतुलन है ना, उपभोक्ता संतुलन तो फिक्स है ही है। अब अगर मैं इसमें, ये तो 6 नंबर के मैंने आपको बता दिए, बट अगर इसमें मैं और 3 नंबर का भी बता दिया, अगर 1-1 नंबर की बात करूं तो सबसे पहले तो आता है इसके अंदर बजट बाधा। बजट बाधा क्या है, बजट सेट क्या है, बजट रेखा के ऊपर मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं ना, वो सब 1-1 नंबर के, बजट सेट क्या है, बजट बाधा क्या है, बजट समीकरण क्या है, बजट सेट की समीकरण क्या है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 1-1 मार्क्स के कंपलसरी हैं। बजट रेखा एक सीधी रेखा क्यों होती है, बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, तो ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है। और बजट बाधा, बजट बाधा तो बहुत बारी आता है, ये बजट बाधा और बजट सेट और बजट इसकी, बजट इसकी समीकरण लिखिए, तो ये क्वेश्चन तो 1-1 मार्क्स का कंपलसरी है, एग्जाम में आना ही आना है। और इसके अंदर से क्या क्या आता है, आप ये भी पढ़ सकते हो, तटस्थता वक्र की विशेषताएं, तटस्थता वक्र की विशेषताएं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। ये भी जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीधा, ठीक है, कि तटस्थता वक्र क्या होता है और तटस्थता वक्र की विशेषताएं बताइए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में, ठीक है। बाकी तो इस चैप्टर में से आपका कुछ नहीं आएगा। बजट सेट, बजट रेखा के ऊपर 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उपभोक्ता संतुलन में मैंने आपको बता दिया तटस्थता वक्र विश्लेषण से, या एक वस्तु की स्थिति में, या आप ये पढ़ सकते हो कि तटस्थता वक्र क्या होता है और उसकी विशेषताएं, बस और कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर के अंदर से। अब आ जाइए जी आपका चैप्टर डिमांड मांग पर। मांग में आपको क्या क्या पढ़ना है जी, मांग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, आपको इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। अभी तो आप कह रहे हो कि स्कोरिंग, आप कह रहे हो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि सबसे पहला ये पढ़ना है कि जो मांग वक्र है, मांग वक्र के दाहिनी और ढालू होने के कारण, मांग वक्र के दाहिनी और ढालू होने के कारण, ये क्वेश्चन बहुत टाइम से नहीं आ रहा है और अब इसके चांस कंपलसरी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा 6 मार्क्स का, कि मांग वक्र जो है या कीमत बढ़ने से मांग क्यों घट जाती है, ये भी ऐसे भी आ सकता है, कीमत घटने से मांग
क्यों बढ़ती है, कीमत बढ़ने से मांग क्यों घटती है, या मांग वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है जी, ये बात मेरे को अच्छे से समझ में आ गई। दूसरा क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, या तो आएगा विस्तार या जी वृद्धि, मांग में विस्तार या मांग, या तो कमी या संकुचन, ठीक है, या क्या आएगा, या मांग में परिवर्तन या मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन या इन तीनों में से कोई एक अंतर कंपलसरी है, 3 मार्क्स का ये आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में, या तो विस्तार या वृद्धि में, या कमी या संकुचन में, या मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है, इसमें से कोई एक ही आना है, तीनों आपका जो है एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात मुझे आ गई समझ। उसके बाद है कि बाई तरफ और दाई तरफ, मांग वक्र के बाई तरफ और दाई तरफ के कारण, ये तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, कि मांग या तो बाई का आएगा या दाई का आएगा, कि मांग वक्र के बाई और खिसकाव के कारण बताओ और मांग वक्र के दाई और के बताओ। ठीक है, तो एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपको बाई के याद है तो दाएं वाला हो जाएगा, दाएं के याद है तो बाएं वाला हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, मेरे को ये भी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। और कभी कभार 1 मार्क्स का एक ये भी आ जाता है कि बाजार मांग जो है ये क्या होती है, दोबारा से सुन लीजिए क्या कह रहा हूं मैं, बाजार मांग जो है क्या होती है, ये भी एक ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आ जाता है आपका। अगला क्या है, अगला आता है जी इसके अंदर सामान्य वस्तुएं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु, इन दोनों में जो है क्या अंतर होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में आता ही आता है, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तुओं में विद उदाहरण आपको अंतर बताना है। ठीक है जी, ये बात भी मेरे को अच्छे से समझ में आ गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसी चैप्टर में से आपको एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको घोल कर पी जाना है। अब क्या घोल कर पीना है, अब ध्यान से सुन लो, देखो ये इसका नाम है कि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन का, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन का मांग पर प्रभाव, मांग पर प्रभाव, वो भी विद डायग्राम चित्र के साथ। ये क्वेश्चन तो फिक्स है एग्जाम के अंदर, 6 मार्क्स का आपका आना ही आना है, इसको आपको घोल कर पी जाना है, घोल कर पी के जाना है, फाड़ के लेके जाना है, कुछ भी करना है आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए, ये बात मेरे को समझ आ गई, एक तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है और दूसरा मांग की लोच को, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का कंपलसरी है, फिक्स है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं इसके अंदर, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं घोल कर विद प्रैक्टिस। ठीक है जी, ये बात भी मेरे को अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है जी इस चैप्टर में से, और इलास्टिसिटी पर आ गए हम। ठीक है जी, मांग की लोच पे, अब मांग की लोच पर जो है, मांग की लोच इस चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है, परसेंटेज प्रतिशत विधि पे जो है, प्रतिशत विधि के ऊपर न्यूमेरिकल है, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल कंपलसरी है, एग्जाम में आना ही आना है, फिक्स है, 3 मार्क्स का प्रतिशत विधि पे। और अगर किस्मत खराब हुई, अगर ये नहीं आया तो फिर क्या आता है, फिर आता है जी पूरा कि मांग की लोच की कुल व्यय विधि बताइए, मांग की लोच की कुल व्यय विधि बताइए, ये तो फिर पूरा ही आ जाता है उठकर 6 नंबर में, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा मांग में से आपका कुछ भी नहीं आएगा, जो मैंने आपको बताया है सिर्फ वही आएगा, ये मांग अनुसूची, ये मांग वक्र, मांग फलन पलन, ये जो कुछ भी है ये सब कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है ना, ये टाइम एक एक नंबर में अपना टाइम वक्त वेस्ट करो, आप फोकस करो 6-6 नंबर वालों पर, तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो कर लीजिए, एक ही दिन बचा है, ज्यादा हमारे पास आज टाइम नहीं है, तो ठीक है, मांग भी मेरे को अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको और क्या क्या पढ़ना है, अच्छा जिन जिन बच्चों का ये आ रहा है उत्पादन फलन वाला भी, अगर आ रहा है आपका 16 तारीख को जिन जिन का एग्जाम है उत्पादन फलन, ये वाला चैप्टर भी अगर जिन जिन बच्चों का आ रहा है, क्योंकि किन किन का आ रहा है, किन्हीं किन्हीं का नहीं आ रहा, कोई बोल रहा है मेरा आ रहा है मेरी मैम ने कराया है, कोई बोल रहा है नहीं आ रहा मेरी मैम ने नहीं कराया,
तो इस चैप्टर में से अगर आ रहा है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन है परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम। ये क्वेश्चन जो है ना पेपर के अंदर फिक्स है 6 मार्क्स का, आपको फिक्स है 6 मार्क्स का, फाड़ कर लेके जाना है फाड़ कर लेके जाओ, फिक्स है, छपा हुआ है पहले से ही, प्रिंट है, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम 6 मार्क्स का क्वेश्चन उत्पादक उत्पादन फलन में से, ठीक है, ये बात भी मुझे समझ में आ गई। अगला क्या है, अगर 3 नंबर का आता है तो ये आता है जी एपी और एमपी, इसमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध है इसके बीच में, बट ये 3 मार्क्स का ही आएगा, बट इसके चांस बहुत ही कम है, 100% चांस वो तो फिक्स है ही 6 नंबर का, उस चैप्टर में से आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम पढ़ना है, और अगर किस्मत खराब होती है, मतलब जैसे किस्मत खराब हुई हमारी, अगर ये नहीं आया तो ये 3 नंबर का आ जाता है, और एक 3 नंबर का और है हरासमान प्रतिफल का नियम, बस, और ये आता है 3 नंबर का अगर आपकी किस्मत खराब हुई बहुत ही ज्यादा। और इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो भी फालतू की चीजें दे रखी हैं कि ये जी ये क्या कहते हैं ये अल्पकाल क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है, टीपी एपी एमपी और ये स्थिर साधन परिवर्ती साधन, ये कुछ ना आने वाला, ठीक है, तो आप इसको छोड़कर जा सकते हो। आपको जो फोकस करना है फिलहाल यहाँ पे कर लीजिए, एपीएमपी में रिलेशन पढ़ लीजिए, आसान है, छोटा ही है, और हरासमान प्रतिफल पढ़ लीजिए। उत्पादक संतुलन में से आपका केवल इतना ही आना है, ठीक है। तो अभी जितना मुझे पता है वीएसटी में तो आपका केवल भाई इतना ही आ रहा है, ठीक है। वीएसटी में मोस्टली बच्चों का जो है आ रहा है डिमांड तक, ठीक है, लेकिन मोस्टली बच्चों का जो है ये उत्पादक संतुलन वाला भी चैप्टर आ रहा है, उत्पादन फलन ये चैप्टर भी आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल परिवर्तन अनुपात के प्रतिफल का नियम ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब आ जाइए अपनी दूसरी बुक सांख्यिकी पर। सांख्यिकी में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, चैप्टर फर्स्ट से, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट से बता रहा हूँ मैं आपको सांख्यिकी में। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है सांख्यिकी का अर्थ, ठीक है, एक वचन में भी पढ़ लेना, बहुवचन में भी पढ़ लेना, ठीक है। और क्या पढ़ना है आपको इसके अंदर, और आपको इसके अंदर पढ़ना है सांख्यिकी की सीमाएं, क्या पढ़ना है आपको इसके अंदर, सांख्यिकी की सीमाएं और सांख्यिकी का अर्थ, एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में, और बस, बाकी तो और कुछ नहीं पढ़ना आपको इस चैप्टर में से, बाकी आप इसमें छोड़ सकते हो, और कुछ नहीं आने वाला है इसके अंदर से, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर नंबर टू पर, इसमें आपको क्या पढ़ना है जी, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका चैप्टर नंबर टू स्कोरिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर क्या पढ़ोगे, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर, क्या पढ़ना है आपको, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर, ये आपको पढ़ना है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका एग्जामिनर आपसे पूछ ही लेता है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या क्या अंतर होता है। अब इसकी जो है प्राथमिक की जो है 4 विधियां हैं और द्वितीयक आंकड़ों की जो है 4 विधियां हैं, कैसे कैसे हम इसको कलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो है प्राथमिक आंकड़ों की जो विधियां है ना, क्या है, प्राथमिक आंकड़ों की विधियां, इसके अंदर भी विधियां हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, क्या है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान ये है, दूसरी है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो आपको मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये वाली जो विधि है ना, आपको इसको अच्छे से सबके गुण और अवगुण ये अच्छे से पढ़ लेना, गुण और अवगुण, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में बता रहा हूँ प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, उसमें अंतर, और उसके बाद इनकी विधियां हैं। तो द्वितीयक की विधि तो छोड़ दो, अभी पहले प्राथमिक पे आओ। प्राथमिक के अंदर ये जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है ना, इसके बारे में अंतर पढ़ लो, इसके में अंतर, इसमें अंतर आ सकता है। और बाकी की जो 2 बची स्थानीय स्रोत वाली और जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली आप अच्छे से पढ़ लेना, प्रश्नावली के गुण भी पढ़ लेना, ठीक है, अवगुण भी पढ़ लेना और उपयुक्तता भी पढ़ लेना,
ठीक है, ये अच्छी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इंडिविजुअल आई तो आपका एग्जामिनर प्रश्नावली ही पूछेगा कि भाई प्रश्नावली विधि बताइए, इसके गुण बताइए, इसके दोष बताइए। ठीक है, गणक विधि के भी केवल दो दो गुण गुण दोष पढ़ लेना। जो और जो ये है द्वितीयक वाली, द्वितीयक के अंदर जो है ये वाली, द्वितीयक के अंदर जो विधियां हैं उसके अंदर आप मोस्टली जो है द्वितीयक आप छोड़ के जा सकते हो, द्वितीयक छोड़ दीजिए। ठीक है, थोड़ा रिस्क भी ले लो, इतना तो हमें पढ़ना ही नहीं है। चैप्टर नंबर दो में मैंने आपको क्या बताया, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। प्राथमिक के अंदर जो विधियां हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में अंतर पढ़ना है आपको, और जो प्रश्नावली विधि है इसके गुण दोष और उपयोगिता दोनों पढ़ लेना, और जो गणक वाली है उसके भी गुण और अवगुण पढ़ लेना। ठीक है, अर्थ दो गुण दो पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ने, तीन पढ़ लेना अगर ज्यादा पढ़ने का मन हो तो। ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं पढ़ना है हमें। उसके बाद आ जाइए जी चैप्टर नंबर तीन पे। चैप्टर नंबर तीन के अंदर आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर तीन के अंदर आपको केवल जो ये है जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि, दोनों विधियों के क्या पढ़ने हैं, अर्थ गुण और दोष कितने पढ़ने हैं, तीन तीन पढ़ लेना बस। तीन गुण जनगणना विधि के, तीन गुण प्रतिदर्श विधि के, दोनों के तीन तीन गुण, तीन तीन अवगुण और दोनों के अर्थ पढ़ लेना बस। ठीक है, अब मोस्टली अगर आपकी इसमें किस्मत, वैसे तो जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि पे ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जब हमारी किस्मत खराब होती है ना तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी फिर कुत्ता काट लेता है, तो ऐसे इसमें क्या होगा, हमारे साथ भी वही होगा। हमारे साथ फिर क्या होगा कि जो प्रतिदर्श की जो विधियां दे रखी है ना आपको, प्रतिदर्श की विधियां, उसमें से कोई एक आ जाएगा। बट अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है प्रतिदर्श की विधियों को छोड़ दीजिए। चैप्टर नंबर तीन के अंदर आपको केवल इतना पढ़ो कि जनगणना विधि क्या होती है, इसके गुण और अवगुण, प्रतिदर्श विधि क्या होती है, इसके गुण और अवगुण, बस। चैप्टर नंबर तीन के अंदर आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, ये भी मेरे को अच्छे से समझ में आ गए हैं। तीन तीन चार चार पढ़ लेना और ज्यादा कुछ नहीं, और जो प्रतिदर्श की विधियां हैं उसको आप छोड़ दो, थोड़ा सा रिस्क ले लो। अच्छा, चैप्टर नंबर फोर पे आ जाइए। चैप्टर नंबर फोर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपको थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है, ये आपको मोस्टली श्रृंखला समझा रहा था। एक नंबर का मैंने जब ये आपको मैं करा रहा था चैप्टर, तो आपको इसमें से क्या करना है, सिर्फ ये पढ़ लेना रॉ डेटा क्या होता है, शुद्ध आंकड़े क्या है, शुद्ध आंकड़े। चैप्टर नंबर फोर के अंदर आपको केवल क्या पढ़ना है कि जी शुद्ध आंकड़े जो है वो क्या होते हैं, एक मार्क्स का आ जाएगा, बाकी इस चैप्टर में से कुछ नहीं आना है। चैप्टर नंबर फोर आप टोटली इग्नोर मार सकते हो, एग्जाम में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें आपको सिर्फ सीरीज सिखा रहा था। ठीक है, ये छोड़ दो बिल्कुल ही। चैप्टर नंबर फाइव पे आ जाइए। चैप्टर नंबर फाइव बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, एक सारणी के भाग, क्या पढ़ना है आपको, एक सारणी के भाग, सारणीय प्रस्तुतिकरण क्या होता है और एक सारणी के भाग क्या क्या होने चाहिए, आपको इसके अंदर क्या क्या भाग होने चाहिए और इसकी विशेषताएं, बस दो दो तीन दिन पढ़ लेना बस। चैप्टर नंबर फाइव के अंदर आपको केवल इतना ही पढ़ना है, विशेषताएं ज्यादा नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, तो इतना वो टाइम मत वेस्ट करिएगा और बस इसमें से आप इतना ही पढ़ना। ठीक है, एक सारणीय प्रस्तुतिकरण क्या होता है, इसके अंदर इसके भाग और इसकी विशेषताएं, बट और कुछ नहीं पढ़ना आपको। चैप्टर नंबर सिक्स में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर सिक्स है आंकड़ों का चित्रे प्रस्तुतिकरण। इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वृत्त आरेख फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आपका आना ही आना है। वृत्त आरेख आपको अच्छे से करना है, ओजाइव आपको अच्छे से करना है। ठीक है, आयत चित्र आपको अच्छे से करना है, आयत चित्र और क्या अच्छे से करना है, बहुभुज, ये आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर सिक्स, फिलहाल चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर आपका दंड आरेख और वृत्त आरेख है। चैप्टर नंबर सिक्स में क्या है, दंड आरेख और वृत्त आरेख, तो आप यहाँ पे वृत्त आरेख को अच्छे से करके जाना है, दंड आरेख के बहुत ही कम चांस है। ये आपका चैप्टर नंबर सेवन है आपका, ये जो है आयचित्र बहुभुज और ओजाइव, तो चैप्टर नंबर सात आप अच्छे से ही करके जाइए, ओजाइव भी कंपलसरी है और आयचित्र और बहुभुज, पॉलीगन और हिस्टो दोनों ही आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वृत्त चित्र पांच नंबर का और ओजाइव भी पांच नंबर का, तोरण जिसको हम कहते हैं,
आयत चित्र या बहुभुज, इसमें से इन तीनों में से ना कोई एक आएगा, ठीक है, तीनों नहीं आएंगे। कहीं ज्यादा खुश हो रहे हो कि मुझे ये भी आता है बनाना, तो बस मैं तो पास हो गया। तो इन तीनों में से कोई एक आएगा, बाकी और कुछ नहीं आने वाला है। चैप्टर नंबर 8 बहुत ही बकवास चैप्टर है, पूरा इग्नोर मार सकते हो। केवल आप ये पढ़ सकते हो कि चित्रीय प्रस्तुतिकरण की सीमाएं, क्या पढ़ना है आपको इसके अंदर, आपको पढ़ना है चित्रीय प्रस्तुतिकरण की सीमाएं, बस आपको इसके अंदर ये पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर ऐसा कोई खास नहीं है, कुछ नहीं आएगा इसमें से। चैप्टर नंबर 9 पर आ जाइए। चैप्टर नंबर 9 है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समांतर माध्य। इसके अंदर आपको क्या करना है जी, इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल, सबसे पहले आप अखंडित श्रृंखला से शुरू करिएगा, ठीक है। अखंडित श्रृंखला के अंदर पांचों ही तरीके की जो श्रृंखला है और मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले आप अखंडित श्रृंखला करोगे और उसमें अज्ञात मूल्य हम कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन आप करोगे ही करोगे, तीनों ही सीरीज का, खंडित, अखंडित और व्यक्तिगत, तीनों सीरीज के अंदर हम अज्ञात मूल्य कैसे निकालते हैं उसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कंपलसरी है। और जो वो बच्चे है ना, भारत माध्य नहीं आ रहा, सही माध्य, सामूहिक माध्य, भाई इसके चांस बहुत ही कम है, 0% चांस है ये आपका एग्जाम के अंदर आएगा, ठीक है। और आपके इसमें से सिर्फ खंडित और अखंडित, इन दोनों श्रृंखला के क्वेश्चन कंपलसरी है, या तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा माध्य निकालो, या मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन तो कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। और अखंडित के पांचों कैरम मोस्टली संचय से कम और से अधिक वाली उस श्रृंखला को आपको अच्छे से करना है, बस चैप्टर नंबर 9 के अंदर न्यूमेरिकली आने हैं आपका, बाकी और तो कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। तो अभी तो आपका चैप्टर नंबर 9 तक ही आ रहा है, अभी जिनका जिन जिन बच्चों का 16 तारीख को पेपर है, मे भी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको किस चैप्टर के अंदर से क्या क्या पढ़ना है। मैंने सारे आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, ठीक है, कौन सा नंबर कितने का आएगा, कैसे कैसे आ सकता है, VST का भी बता दिया, समष्टि का भी बता दिया, दोनों में से कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर परेशान करने के लिए दे ही दिया है, जहां पर भी आप परेशान करना चाहते हो वहां पर आप मेरे को परेशान कर सकते हो। और इस वीडियो को जो है यार जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चले वो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फ्रेंड्स वगैरह के भी जो है वो उनको भी मिल जाए, थोड़ी उनके भी हेल्प हो जाए। एक दिन बचा यार, थोड़ा वो भी पढ़ लेंगे, सारा ज्ञान लेके तुम क्या करोगे, थोड़ा उनको भी देने दो, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, चैनल पर पहली बार आए थे तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आप अपना काम निकालते हो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं इकोनॉमिक्स की नई नई वीडियो रोजाना इस चैनल पर जो है मैं अपलोड करता रहता हूँ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हो या लाइक करने से मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं मोटिवेट होऊंगा तभी आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आधा घंटा वेस्ट हो चुका है, ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक ही संडे बचा है, आज आज का दिन है, जल्दी से काम पे लग जाओ, टिक लगा लिया होगा, लिख लिया होगा, जो भी लिखा है, जहां जहां मैंने टिक लगाया है, जहां फिक्स क्वेश्चन बोला है, घोल कर पी जाओ, फाड़ के ले जाओ, जो भी आपको करना है कल के पेपर में आपको करना ही करना है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, अपनी प्रिपरेशन करो, केवल इन्हीं की करो, बाकी जो भी अला बला है उन सबको आप टोटली इग्नोर मार सकते हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।